हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम ट्रैवल करने वाले हैं। तो आज हम जा रहे हैं अपने गांव। और वैसे हम सिटी में रहते हैं, और हम अब हम कई मतलब सैटरडे संडे को हम चले जाते हैं गांव। तो यहां से गांव का जो रास्ता है वो 2 घंटे का है। तो आपको भी दिखाएंगे पूरा रास्ता और मतलब पूरा सीनरी दिखाएंगे। हम निकल गए गांव की तरफ और रास्ते में मैंने बहुत इन्जॉय किया। पापा अपने फेवरेट गाना बजाए हुए थे और रोज़ की तरह हम बहुत इन्जॉय करते हुए निकल गए। फिर ये जो जगह है ये हुंदर है, ये बहुत ही ज़्यादा फेमस जगह है, टूरिस्ट के लिए बहुत फेमस है। तो यहाँ पे जो ये बोर्ड लगा हुआ है इस पे सारे रेस्टोरेंट्स के नाम लगे हुए हैं। और फिर हम पहुँच गए परतापुर, मेरी दीदी का ससुराल। तो अभी हम पहुंचे हैं परतापुर और साथ ही मेरे दीदी के ससुराल। और वहाँ पे थोड़ा रुक के खाना वाना खा के हम फिर निकल गए आगे को। और उसके बाद हमने 2-3 जगह स्किप कर दिए क्योंकि वहाँ पे कैमरा अलाउ नहीं, कैमरा रिस्ट्रिक्शन है और वहाँ पे फोटोज़ नहीं खींच सकते क्योंकि वो पूरा आर्मी एरिया है, इसलिए हमें वो स्किप करना पड़ा। तो अभी हम निकले थे हम परतापुर से, और हमने 2-3 जगह स्किप कर दी है। वहाँ पे कैमरा मतलब रिस्ट्रिक्शन है कि फ़ोटो हम नहीं खींच सकते, क्योंकि वो पूरा आर्मी आर्मी प्लेस है। और वहाँ पे हमारा उससे आगे जो गांव है, इसके जो पहले गांव है वो थर्ड थ्वाइस के नाम से जाना जाता है। और वहाँ पे जो यहाँ का ले का जो लास्ट एयरपोर्ट है वो थ्वाइस में है। और अभी सिविल्स का जाना अलाउ नहीं है, शायद नेक्स्ट ईयर से अलाउ हो जाएगा। तो अभी हम यहाँ पे उतरे हैं, और मेरे पीछे जो ये गांव है इसका नाम है उदमारू। ये मतलब नदी पार करने के बाद जाता है। और ये है डबल हम्प ऊंट, पता नहीं इसके अंदर क्या कर रहा है। इनका भी सीज़न नहीं होता है तो इन्हें इसे खुला छोड़ देते हैं, और जैसे इनका सीज़न आता है तो इनको सैंड ड्यून में ले जाते हैं। वहाँ पे लोग राइड करते हैं ज़्यादातर समर्स में। ये मेरे पर ऐसे देख रहा है जैसे मुझे खा जाएगा। हेलो, कितना प्यारा दिखता है ये। ओ भाई अरे पापा, ये जो जगह है यहाँ से पूरा खरदों टॉप तक दिखता है। और ये यहाँ से पूरा गांव दिखता है, और पूरा खरदोंग टॉप तक ये यहाँ से पूरा व्यू दिखता है, इसलिए ज़्यादातर फोटोज़ वगैरह लोग यहाँ से खींचते फिर हम आगे को निकल गए। और फिर इसके बाद जो 2-3 गांव थे, लड़गियाप और उसके बाद में मम्मी का मायका। तो लड़गियाप बहुत ही दूर जगह है, तो वो भी आपको कभी दिखाएंगे पूरा मतलब सी। तो हम रोज इस रास्ते से गुजरते रहते हैं, मतलब हमारा गांव यहीं से जाता है। तो हम रोज यहाँ से हर हफ्ते जाते हैं, और हर हफ्ते हम यही नोटिस करते हैं कि वहाँ पे एक पत्थर है और उसपे छोटा सा प्लांट है। वो चाहे सर्दी हो गर्मी हो वो वैसे ही रहता है, जैसे मतलब ग्रीन है तो वैसा का वैसा ही रहता है। तो आज मैंने सोचा चलो देखते हैं क्या क्या राज है। भाई आपको भी दिखाते हैं। ज्यादातर बारिश भी नहीं होता है और इसके ऊपर पानी भी नहीं है, फिर भी ये अजूबा पता नहीं कैसे इस पत्थर के ऊपर इतना प्यारा प्लांट हुआ है। और ये ऐसा का ऐसे रहता है, इसमें कोई चेंजेस नहीं आता है, चाहे समर हो विंटर हो। और बहुत प्यारा लग रहा है, वाह भाई साहब क्या अजूबा है ये। हाय हाय, बहुत ही प्यारा हमने आज देख लिया, मेरा मन था देखने का क्या है पत्थर के ऊपर। पापा इतना धीरे धीरे चल रहे हैं। पापा का 58 साल हो गया अभी, 58 साल, लेकिन पापा जवान है अभी। किस वजह से? टेंशन नहीं लेता है पापा जिंदगी में, टेंशन कभी नहीं लिया। क्या खाते हो आप, क्या खाते हो? पूरा अपना लोकल डिश। हाँ लोकल डिश खाता हूँ मैं, जान किसी में पापा खाता हूँ। जवान है अभी, तंदुरुस्त रहता हूँ। और अब फिर हम पहुंचने वाले हैं मम्मी के गांव।
मम्मी का मायका है ये। यस पूरा जम गया है। पानी का आवाज़ सुनो। ओहो यहाँ का बर्फ अभी तक नहीं पिघला है और ये पूरा पानी है भाई। नहीं माँ हे क्या हो गया तेरे को, ये गाय अपने आप जा रहे हैं। मामा ठीक हो, कहाँ जा रहे हो आप लोग, आपका नाम क्या है? गिरी गिरी ना हाथ दे हाथ। तुम कैसे जा रहे हो? पता नहीं ऐसे सीधा चल, सीधा चल। हसना हम बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हैं। यस 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 ना चल। और आपको दिखाएंगे मम्मी का गांव, मतलब मम्मी का मायका, और बहुत ही अच्छा नज़ारा है। और यहाँ पे जितने भी ज़्यादातर घर हैं वो बहुत पुराने हैं, लगभग 7 से 8, 10 घर हैं। और हमें हर घर पे जाके हाय बाय करके आना पड़ता है, वरना नाराज़ हो जाते हैं सब। समझ ही सकते हैं जिन रिश्तेदार कैसे होते हैं, मतलब यहाँ पे अच्छे रिश्तेदार। गंदी लड़की। तो जो लद्दाखी किचन होता है वहाँ पे अलग ही बर्तन वर्तन रखने के लिए अलग ही सेट बनता है, तो ये मैंने सोचा कि आपको भी थोड़ा दिखा दे। ऐसा पूरा सेट होता है और विंटर्स में बुखारी भी लगता है, बहुत ही प्यारा लगता है ये सेट। इतनी लंबी नहीं थी। थिंकू, थिंकू। इसके बाद मैं चला। फाइनली मम्मी के गांव जाने के बाद हम निकल गए घर की तरफ, और हमने रास्ते को बहुत इंजॉय किया। मैंने सोचा थोड़ा सा ज़्यादा मैं दिखा नहीं पाई आर्मी प्लेस, क्योंकि वैसे अलाउ नहीं और हमारे सेफ्टी के लिए भी अच्छा है, बट मैंने सोचा थोड़ा बहुत आपको दिखा दे। और इस तरीके से पूरा यहाँ पे सेट, मतलब यहाँ पे बना हुआ है आर्मी का। और अब हम पहुँच गए गांव, और ये जो है ये मेरा ये स्कूल है, मेरे बचपन का स्कूल, जहाँ पे मैंने 4th class तक स्टडी की, आर्मी कुटुल स्कूल बोगदंग। और बहुत ही ज़्यादा मेमोरीज है मेरा इस गांव में। फिर हम पहुँच गए घर, तो हमें लगा कि जो गाड़ी है घर के बगल में रख देते हैं, बट फिर हम जब गए तो आधा से ज़्यादा रास्ता पूरा ख़राब हो रखा था, बारिश उसके बाद धूप, इस वजह से पूरा पानी पानी हो गया था और गाड़ी के लिए भी बहुत दिक्कत होता, तो इसलिए हमने गाड़ी को वहीं रोक दिए। घर पहुंच गए हैं, फिर पता चला कि हम घर का चाबी शायद हम या तो भूल गए हैं या शायद गाड़ी में है, तो अभी हम देखने जा रहे हैं। अगर गाड़ी में नहीं होगा तो शायद हम भूल गए होंगे, तोड़ना पड़ेगा ताला। ताला तोड़ने के बाद हम घर आ गए, और उसके बाद हमने थोड़ा रेस्ट किया, फिर हम निकल गए बॉर्डर विलेज की तरफ, हमें कुछ काम था। हम वहाँ से काम करके वापस आ गए। मैंने बॉर्डर का ज़्यादा कुछ दिखाया नहीं, क्योंकि बॉर्डर विलेज का मैं अलग से आपको वीडियोस दिखाऊंगी, वहाँ पे बहुत सब चीज़ें हैं दिखाने को, तो मुझे लगा अलग से ही वीडियोज़ बना के आपको दिखाऊंगी। और फिर हम वापस आ गए। वापस आके फिर हमें रास्ते में कोई किसी ने बताया कि आगे पहाड़ टूटा हुआ है, तो वहाँ से लगभग टाइम लगेगा, तो हमने सोचा जाके देखते हैं। तो हमने गाड़ी को थोड़ा नीचे साइड रखा ताकि पत्थर वत्थर आने का डर था। तो मैं और नहीं निकल गए देखने के लिए, बट वहाँ पे दिखा नहीं अच्छे से वो जगह, तो जहाँ पे पहाड़ टूटा हुआ था, तो हमने सोचा गाड़ी में ही जाना सही होगा। तो फिर हम गाड़ी में हमने देखा पूरा पहाड़ टूटा हुआ था, और वहाँ पे हमने एक बंदे से पूछा तो उसने बोला लगभग 4 या 5 घंटे लगेंगे साफ करने में, और उतने में हम वेट करते करते रात हो गए। फिर रास्ता साफ हो गया, हम निकल गए घर को। तो गाइस आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, इसी तरह की और वीडियोज़ देखने के लिए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। And stay tuned with me. Bye.